गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन द चैप्टर ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अप टू टू डिजिट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टू डिजिट नंबर्स. इससे पहले हमने वन वन डिजिट ऐड करना सीखा था, अब हम टू डिजिट एडिशन करेंगे. इसमें वर्टिकल एडिशन, लेट अस रिकॉल वर्टिकल एडिशन. ऐड 14 एंड 33. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर है टू टू डिजिट के, यानी कि 14 में भी टू डिजिट है और 33 में भी टू डिजिट है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 एंड वंस का कॉलम बना के. यहाँ पर हम इसको 34 कर लेते हैं क्योंकि एडिशन में 34 है. सो सबसे पहले हमने कौन सी डिजिट लिखी है, बड़ी डिजिट. जो बिग डिजिट होती है उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जो स्मॉल डिजिट होती है उसको हम उसके नीचे लिखते हैं. यानी सबसे पहले हमने 34 लिखेंगे हम, उसके बाद हम 14 लिखेंगे. तो 10 एंड वंस 34, 14. जो राइट साइड वाली डिजिट होती है उसको वंस के प्लेस पे लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड वाली होती है उसे टेंस के प्लेस पे लिखेंगे. सेम एज राइट वाली डिजिट को वंस के प्लेस पे और लेफ्ट वाली डिजिट को टेंस के प्लेस पे. अब हम ऐड द नंबर्स अंडर द अंडर वंस. 4 + 4 = 8. सबसे पहले हम एडिशन जो स्टार्ट करेंगे टू डिजिट नंबर में, वो हम वंस की डिजिट से स्टार्ट करेंगे ऑलवेज. सो 4 + 4 = 8. उसके बाद हम टेंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे, मीन्स 3 + 1 = 4. सो हमारा 34 + 14 का ऐड जो है वो सम जो है वो आ जाएगा 48. सो 34 + 14 = 48. ये है टू डिजिट एडिशन का एक तरीके से एग्जांपल है ये. आगे का हम देखेंगे. इन हर टॉय बास्केट रिनी हैज 33 बॉल्स, 15 स्पिनिंग टॉप्स एंड 21 टॉय कार्स. हाउ मैनी बॉल्स, स्पिनिंग टॉप्स एंड टॉय कार डज रिनी हैव ऑल टुगेदर. रिनी के पास कुछ बॉल्स, स्पिनिंग टॉप्स एंड 21 है. हमें टोटल ऐड करके बताना है कि टोटल उसके पास कितने टॉयज हैं. सो स्टेप वन, एड द नंबर्स अंडर द वंस. सबसे पहले हम लिख लेंगे 33. उसके बाद हमने 15 स्पिनिंग बॉल्स लिख ली, टॉप्स लिख ली. उसके बाद हम 21 टॉय लिख ली, हमने 21 टॉय. अब सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, वंस के प्लेस की जितनी भी डिजिट है उनको ऐड कर देंगे. यानी कि 3 + 5 + 1. सो टोटल कितना हो जाएगा, 9. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टेंस के प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे. यानी कि 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 4 + 2 = 6. जैसे कि यहाँ पर हमें स्टेप टू में दिखाया गया है. सबसे पहले हमने वंस के प्लेस की डिजिट को ऐड किया, उसके बाद हमने टेंस की प्लेस की डिजिट को ऐड किया. तो टोटल कितना सम आएगा, 69. सो 33 + 15 + 21 = 69. तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल. अब हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, जिससे हम उसको अच्छे से कर सकें. सबसे पहले वंस के प्लेस से स्टार्ट करेंगे. वंस के प्लेस पर क्या है, 2 6. 2 + 6 = 8. टेंस के प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे, 4 + 3 = 7. 4 + 6, 4 + 2 = 6. 1 2 3 4 प्लस का निशान 1 2. अब टोटल लाइंस को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6. 6 हो गया. 3 + 1, सबसे पहले 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 प्लस, अब उसके बाद 1 1 2 3 4. टोटल हो गया 4. यानी कि हमारे सम का आंसर कितना हो गया, जो हमारे पास एडिशन का है उसका आंसर हो जाएगा 46. देन 6
हमने रूल पढ़ा था, जब किसी भी डिजिट में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें आंसर सेम एज वही डिजिट मिलती है। सो सिक्स में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम एज सिक्स हो जाएगा। फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स, और वन वाला रूल हमने जो पढ़ा था, अगर हम किसी भी डिजिट में वन ऐड करेंगे तो उसके जस्ट आफ्टर वाली डिजिट हमें आंसर की तरह मिल जाएगी। वन प्लस सेवन इक्वल टू एट, या सेवन प्लस वन इक्वल टू एट, ये हो गया ऑर्डर ऑफ एडिशन। इसमें क्या है, इसमें वन पहले उसके बाद सेवन है, इसमें क्या है टेंस की प्लेस की वैल्यू में क्या है, पहले सेवन है उसके बाद वन है। सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एडिशन। अब हम आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट एडिशन में ये है, इसमें एक स्टेप और बढ़ गया है। अब तक हमने टू डिजिट एडिशन सॉल्व किया था, इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, यानी हो गया थ्री डिजिट एडिशन। सो वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाएगा, टू प्लस सिक्स इक्वल टू एट, यहाँ पर एट लिख देंगे हम, जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस वन वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट। फाइव टू, फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन, सेवन प्लस वन इक्वल टू एट। किसी भी डिजिट में जीरो ऐड करेंगे तो सेम एज वही डिजिट, यानी कि पांच, फाइव, फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन, फाइव प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल टू नाइन, सेवन प्लस टू इक्वल टू नाइन, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव, सिक्स प्लस टू, यानी सिक्स से हम अगर टू स्टेप आगे फॉरवर्ड की ओर बढ़े तो सिक्स के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, यानी कि आंसर हो जाएगा एट। टू प्लस फाइव सेवन, सेवन प्लस वन एट, ये हो गया थ्री डिजिट एडिशन के कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे पढ़ेंगे एडिंग टू डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग, यानी कि इसमें कैरी वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो लेट अस रिकॉल एडिंग टू डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। ऐड 48 प्लस 27। स्टेप वन, ऐड द नंबर्स अंडर वंस। सबसे पहले हम वंस वाले डिजिट के एडिशन को, क्वेश्चन को ऐड करेंगे, जो नंबर्स होते हैं उसको ऐड करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं, पहले टेंस एंड वंस का चार्ट बनाएंगे हम। टेंस का, वंस के नीचे हमने क्या लिख लिया, 48 था पहली डिजिट और दूसरी डिजिट थी 27, तो 8 प्लस 7 हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 15। ओके, अब 15 में हमें क्या करना है, 15 ऐसे होगा, सो जो हमारी राइट साइड वाली डिजिट होगी उसको वहीं लिखा रहने देंगे और जो लेफ्ट साइड वाली यानी टेंथ प्लेस वाली जो डिजिट होगी उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर हम इसको ऐड कर देंगे, टेंथ वाली जो डिजिट होगी उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, इस तरीके से। यही चीज यहाँ बताई गई। स्टेप टू, रीग्रुप द सम 15 टेंस प्लस 5 इक्वल टू 110 प्लस 5 वंस, 10 वंस इक्वल टू हो जाता है 110। स्टेप थ्री में क्या किया गया है, राइट 5 अंडर वंस कैरी ओवर 1 अंडर टेंस, वही चीज की गई है कि 5 जो है उसको वंस के नीचे लिखा गया है और जो 1 है उसको हमने कैरी कर दिया है टेंस के पास, ये चीज। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद हमने इन तीनों डिजिट को आपस में ऐड कर दिया, यानी 1, 4, 2 इक्वल टू 7। सो ये हो गया एडिशन, यानी कि 48 प्लस 27 हम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 75,
वही चीज है, सेम है जैसे हमने पढ़ा था कि इन दोनों को हमने ऐड किया 15 आया, 15 का 5 हमने वंस के नीचे ही लिखा रहने दिया और जो वन डिजिट है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड टेंस की ओर कर दिया। अब हमने इन तीनों डिजिट को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर हो गया 75। सो ये हो गया एडिंग टू डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग, यानी कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने।